निश्चित समाकलों के प्रगुण प्रॉपर्टीज ऑफ इसमें पहला प्रगुण है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ टी डी अर्थात ये कि चर राशि को किसी दूसरे चर राशि से बदल देने से समाकलन के मान में कोई अंतर नहीं आता है तो इसका हम प्रमाण देखते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए तो इसको समीकरण एक और दो नाम दे दिया जाए तो समीकरण एक और दो से चूंकि राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा तो इस प्रकार हम लिखेंगे इंटीग्रेशन from a to b f of x dx equal to integration from a to b f of t dt अर्थात यदि निश्चित समाकल की सीमाएं वही रहे तो चर को किसी अन्य चर से प्रतिस्थापित करने पर समाकलन का मान अपरिवर्तित रहता है अब चलते हैं प्रगुण दो पर जहां पर है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल माइनस साइन इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी अर्थात ये यदि लिमिट को बदल दिया जाए ए से बी था उसे बी से ए में कर दिया जाए तो चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी तो इक्वल टू हम लिखेंगे कैपिटल एफ कैपिटल एफ यदि इनसे माइनस को वैनिश ले लिया जाए तो हम लिखेंगे माइनस देन ब्रैकेट में होगा कैपिटल एफ ऑफ ए माइनस कैपिटल एफ ऑफ बी समाकलन की परिभाषा से ब्रैकेट के अंदर में जो राशि है उसे लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी तो इस प्रकार हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी इक्वल टू माइनस साइन इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए एफ ऑफ अर्थात यदि समाकल की सीमाएं परस्पर बदल दी जाए समाकल के मान का चिन्ह बदल जाए प्रगुण इंटीग्रेशन में अंतराल में कोई एक अन्य मान सी आता हो तो अंतराल को ए से सी और फिर सी से बी के योग के रूप में हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स निश्चित समाकलन की परिभाषा से लिखा जा सकता है कैपिटल एफ ऑफ सी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए प्लस कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी और प्लस एफ ऑफ सी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है तो इस प्रकार इसे हम व्यापक रूप में लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू सी वन एफ ऑफ एक्स डी प्लस इंटीग्रेशन सी वन टू सी टू एफ ऑफ एक्स डी प्लस एंड सो ऑन प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम सी एन टू सी एन एफ प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू बी एफ ऑफ अब

तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी अतः हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू माइनस साइन इंटीगेशन फ्रॉम ए टू जीरो अब प्रगुण दो का इस्तेमाल करके लिखा जा सकता है आई इक्वल टू फ्रॉम जीरो टू ए एफ ऑफ डी डी टी और फिर प्रगुण एक के इस्तेमाल से हम लिख सकते हैं i इक्वल टू इंटीगेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स पांचवा प्रगुण है फ्रॉम माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इसमें तीन कंडीशन आती है एक जनरल कंडीशन है इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो दूसरी स्थिति है इक्वल टू टू इंटीगेशन फ्रॉम फलन है और इस इंटीग्रेशन का मान जीरो होता है जब एफ ऑफ एक्स एक विषम फलन है अब इसका प्रमाण देखते हैं माना कि I इक्वल टू इंटीगेशन फ्रॉम माइनस ए टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स मान लेते हैं कि समीकरण एक है अब लिखा जा सकता है I इक्वल टू इंटीगेशन फ्रॉम माइनस ए टू एफ ऑफ जीरो माइनस एक्स डी एक्स जबकि माइनस ए प्लस ए इक्वल टू जीरो हमें मिल जाएगा I इक्वल टू इंटीगेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स मान लेते समीकरण दो है समीकरण एक और दो को जोड़ने पर हमें मिल जाएगा आई प्लस आई इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स दोनों की लिमिट सेम है तो दोनों का फंक्शन को हम डायरेक्टली एड कर पाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा टू देन इक्वल टू राइट पे मिलेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स प्लस अब ये जो लिमिट माइनस ए टू ए था इसे लिमिट फ्रॉम जीरो कर देते हैं और राइट हैंड साइड पे हम दो का गुणा कर सकते हैं तो इस प्रकार मिल जाएगा टू आई इक्वल टू टू टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स लेफ्ट और राइट पे दोनों से दो कैंसिल हो जाएगा और हमको मिल जाएगा फ्रॉम जीरो हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो प्रगुण छो टू टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इसमें भी तीन कंडीशन है पहला है जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स

माइनस डी वाई अब माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे या माइनस साइन को हटाने पर हम हमें जो लिमिट है ए टू जीरो उसको जीरो टू ए करना पड़ेगा प्रगुण दो का इस्तेमाल करके तो इस इंटीग्रेशन का मान हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस वाई डी वाई और ये जो वाई है इसको हम एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रगुण एक का इस्तेमाल करके तो इस प्रकार इस इंटीग्रल का मान होगा इस जीरो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीगेशन जीरो माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो इस प्रकार राइट हैंड साइड है इसे हम लिख सकते हैं टू टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स दोनों मान समान है कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेटली जीरो मिलेगा तो इस प्रकार इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो

ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी रखा जाए दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ए और बी अचार राशि है इसका अवकलन शून्य आएगा और माइनस एक्स का अवकलन माइनस डीएक्स और टी का डी टी तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं डीएक्स बराबर माइनस डी टी और टू बी है अर्थात जब एक्स इक्वल टू ए है तब हमें टी इक्वल टू बी मिल जाएगा और जब एक्स इक्वल टू बी है तब टी इक्वल टू ए मिल जाएगा तो इस प्रकार राइट हैंड साइड में जो मान दिया गया है समाकलन कुछ इस प्रकार परिवर्तित हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ ऑफ टी माइनस डी टी प्रगुण दो का इस्तेमाल करके हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो राइट हैंड साइड में हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू एफ ऑफ टी माइनस डी टी माइनस साइन को हटाएंगे तो लिमिट जो है वो चेंज हो जाएगा और हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ टी डी प्रगुण दो का इस्तेमाल करके इसमें हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं तो इस प्रकार हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स जो कि लेफ्ट हैंड साइड है तो इस प्रकार ये भी सिद्ध हुआ। और का इस्तेमाल करके हम सीधे समाकलन का मान भी ज्ञात कर पाएंगे आगे प्रश्नावली में देखते हैं प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन एक्स क्यूब एक्स इक्वल टू जीरो तीन अलग अलग विधियों के द्वारा हम इसे सिद्ध कर सकते हैं तो पहली विधि देखते हैं माना कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन एक्स क्यूब डीएक्स तो यहां पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स क्यूब यदि एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करें तो हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ एक्स का क्यूब इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्रकार यह सिद्ध होता है कि एफ ऑफ एक्स जो है यहां पर यह एक्स क्यूब है एक विषम फलन है और जैसा कि आप जानते हैं प्रगुण पांचवा हमने पढ़ा है उसके अनुसार हमें मिल जाएगा माइनस वन टू वन एफ ऑफ एक्स डीएक्स इक्वल टू जीरो इट मीन्स आई इक्वल टू माइनस वन टू वन एक्स क्यूब डीएक्स इक्वल टू जीरो पहली विधि दूसरी विधि ये हो सकती है कि इसे हम दो अलग अलग भागों में तोड़ लें माइनस वन टू वन एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू माइनस वन टू जीरो क्योंकि माइनस वन और प्लस वन के बीच में जीरो आता है फिर ये एक्स क्यूब डीएक्स फिर जीरो टू वन एक्स क्यूब डीएक् एक्स क्यूब का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा एक्स का पावर फोर अपॉन फोर और लिमिट है माइनस वन टू जीरो इस प्रकार ये भी मिलेगा एक्स का पावर फोर अप फोर और ये जीरो टू वन सॉल्व करेंगे पहले जीरो पुट करेंगे और फिर बाद में माइनस वन पुट करके सॉल्व करेंगे तो जीरो का पावर फोर दैट मीनस जीरो अपॉन समथिंग दैट विल बी जीरो फिर माइनस एक्स के स्थान पर माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन का पावर फोर मिल जाएगा वन बाई फोर फिर ये वाला मान रखेंगे तो वन का पावर फोर ये वन बाई फोर और फिर जीरो ये दोनों प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे अल्टीमेटली मिल रहा है जीरो या फिर सीधे हम समाकलन करके भी इसका मान निकाल सकते हैं और वो विधि भी, भी देख लेते हैं माइनस वन टू वन एक्स क्यूब डीएक्स इक्वल टू पहले इसका समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा एक्स का पावर फोर अपॉन फोर और फिर इसमें लिमिट लगा देंगे माइनस वन टू प्लस वन वन बाई फोर कॉन्स्टेंट है फिर वन का पावर फोर मिल जाएगा वन फिर माइनस साइन माइनस वन का पावर फोर तो मिल जाएगा वन बाई फोर इंटू वन माइनस वन दट इज वन बाई फोर इंटू जीरो तो इस प्रकार हमें मिल रहा है माइनस वन टू वन एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू जीरो और यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था तो यहाँ पर हम जो प्रगुण का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस बी टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए इज लेस देन बी लेस देन सी तो ये प्रगुण का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर दो पार्ट में स्प्लिट किया इसमें अगला प्रश्न दिया गया है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू प्लस बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल टू पाई बाई टू तो माना कि यह दिया गया फलन ये आई के इक्वल है टू की की तो बेसिकली तो ये हमें मिलेगा साइन ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर और साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा लेकिन उसका स्क्वायर है तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर X, या थीटा यहां पर एक्स है तो एक्स मिल जाएगा तो यहां पर यह सिद्ध होता है कि एफ ऑफ एक्स जो है साइन यह एक सम फलन है तो फ्रॉम टू इसका समाकलन हमें मिलेगा टू टाइम्स जीरो टू पाई बाई टू यहां पर हम प्रागुण का इस्तेमाल कर रहे हैं ये माइनस और ये प्लस सेम लिमिट है और अगर फंक्शन इवन है सम फलन है, तो इसको 0 टू दिस किया जा सकता है और टू का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दो गुणा फिर समी दो गुणा फिर इंटीग्रेशन है जीरो टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स आगे सॉल्व करेंगे टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू डीएक्स फिर टू और वन बाई टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू वन वन है तो फिर माइनस एक काम करते हैं जो वन बाई टू है इससे कंप्लीटली बाहर ले लेते हैं तो ये वन बाई टू और फिर इंटीग्रेशन साइन कॉस टू एक्स डीएक्स ये जीरो टू पाई बाई टू आगे सॉल्व करते हैं ये मिल जाएगा वन और यहाँ पर भी मिलेगा वन वन है तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें एक्स और ये जीरो टू पाई बाई टू माइनस करेंगे तो मिल जाएगा साइन टू एक्स अपॉन टू ये साइन टू एक्स अपॉन टू और फिर ये लिमिट है जीरो टू पाई बाई टू सोल्व करेंगे एक्स के स्थान पर पहले पाई बाई टू रखेंगे फिर माइनस साइन ये रखेंगे फिर साइन पाई बाई टू रखेंगे एक्स के स्थान पर तो ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा जाएगा मिल साइन पाई अपॉन टू फिर माइनस और माइनस प्लस साइन जीरो रखेंगे एक्स के स्थान पर जीरो तो आपको मिल जाएगा जीरो साइन जीरो डिग्री अपॉन टू सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये है पाई बाई टू साइन पाई दट इज जीरो और यह भी जीरो तो आपको मिल रहा है पाई टू तो इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि माइनस इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू प्लस बाई पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल टू पाई बाई टू तीसरा प्रश्न दिया गया है इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एक्स क्यूब इन टू स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू जीरो, जीरो हमें प्रूफ करना है तो माना कि i इक्वल टू माइनस ए टू ए एक्स क्यूब फिर स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्स यहां पर यदि फलन को देखा जाए तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स क्यूब इन टू स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यदि हम एफ ऑफ माइनस एक्स पुट कर दें तो माइनस एक्स का पावर थ्री यहाँ पर ये विषम संख्या तो मिल जाएगा माइनस साइन और फिर ये एक्स क्यूब और x का पावर टू है यहाँ पर तो हमें वो धनात्मक मान ही मिलेगा इस प्रकार ये माइनस वर्गमूल के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो चूंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन तो इस प्रकार ये हमें मिलता है कि एफ ऑफ एक्स जो है विषम फलन है और लिमिट जब इस प्रकार की हो तो अल्टीमेटली हमें जीरो मिल जाना है तो आई इक्वल टू फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू मिलता है जीरो तो दैट फ्रॉम माइनस ए टू ए एक्स क्यूब स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू जीरो तो ये इस प्रकार सिद्ध हुआ अगला प्रश्न दिया गया है जहां पर हमें सिद्ध करना है इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो टू पाई बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये जीरो टू पाई बाय टू साइन स्क्वायर एक्स डी इसे आप लिख सकते हैं जीरो टू पाई बाई टू वन माइनस टू डी एक्स, एक्स वन बाई टू को हम यहां से बाहर निकाल सकते हैं और फिर इंटीग्रेशन साइन जीरो जस्ट डीएक्स हो जाएगा फिर माइनस जीरो टू पाई बाई टू कॉस टू, टू, टू एक्स डीएक्स आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा वन बाई टू ये मिल जाएगा एक्स और जीरो टू पाई बाई टू फिर माइनस साइन कॉस टू एक्स का समाकलन हमें मिल जाएगा साइन टू एक्स अपऑन टू ये साइन टू एक्स अपॉन टू और फिर यहां पर भी लिमिट है जीरो टू पाई बाई टू वन बाई टू फिर पहले लिमिट अप्लाई कर देंगे एक्स के स्थान पर पहले पाई बाई टू रखेंगे फिर माइनस साइन जीरो रखेंगे फिर माइनस फिर से पाई बाई टू रखेंगे तो ये पाई बाई टू का ये वाला टू और ये वाला टू का आंसर साइन पाई अपॉन टू मिल जाएगा फिर माइनस और माइनस प्लस साइन जीरो अपॉन टू सॉल्व करेंगे तो यहां से मिल जाएगा वन बाई टू इंटू पाई बाई टू मिल जाएगा पाई बाई फोर और ये मान शून्य मिलेगा और ये मान भी शून्य मिलेगा तो शून्य से एक बटे दो का गुणा करेंगे तो अल्टीमेटली आपको यही मिल जाएगा जीरो तो ये इस लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फलन है उसका मान हमें पाई बाई फोर प्राप्त हुआ अब हम इसके राइट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड है जीरो टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स डी इसे सरल करने के लिए त्रिकोण में का उपयोग करके सरल करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं वन प्लस कॉस टू अपॉन टू देन डी एक्स वन बाई को बाहर निकाल लेते हैं कॉन्स्टेंट है फिर इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू वन प्लस टू एक्स डी एक्स आगे ये वन बाई टू फिर एक का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा एक्स फिर ये जीरो टू पाई बाय टू और कॉस टू एक्स का करेंगे समाकलन तो मिल जाएगा साइन टू एक्स अपॉन टू और फिर लिमिट जीरो टू पाई बाई टू आगे सॉल्व करते हैं ये वन बाई टू फिर एक्स के स्थान पर पहले पाई बाई टू रखेंगे फिर जीरो रखेंगे इसी तरीके से पहले पाई बाई टू रखेंगे माइनस साइन जीरो ये आपको जीरो मिल जाएगा ये जीरो मिल जाएगा तो अल्टीमेटली हमें मिल रहा है मान लेते हैं कि यह समीकरण दो है समीकरण एक और दो के राइट हैंड साइड आपस में बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे इस प्रकार हम ले सकते हैं समीकरण एक व दो से इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स और यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था अगला प्रश्न दिया गया है जहां पर हमें सिद्ध करना है इंटीग्रेशन जीरो तो हम यह मान करके चलेंगे कि दिया गया फलन का समाकलन है आई तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू टू पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स डीएक्स तो पहली बात यह आपको बताना चाहिए कि पूरे चतुर्थांश में कौन कौन से फलन किस चतुर्थांश पर धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं ये जीरो डिग्री या फिर जीरो रेडियन ये पाई बाय टू रेडियन अर्थात नाइनटी डिग्री ये पाई रेडियन ये थ्री पाई बाय टू रेडियन और ये अगेन टू पाई रेडियन यहां से लेकर यहां तक ये प्रथम चतुर्थांश है इसमें सभी त्रिकोणमिति फलन धनात्मक होते हैं तो कॉस भी इसमें धनात्मक होगा और चौथे चतुर्थांश पर कॉस जो है वह धनात्मक होता है तो और बाकी दोनों चतुर्थांश पर द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश पर देखिए यह प्रथम चतुर्थांश है यह तृतीय चतुर्थांश है, है और यह चतुर्थ चतुर्थांश है तो पहले और चौथे में कॉस जो फलन यह धनात्मक होता है शेष दो चतुर्थांशों में ऋणात्मक होता है तो इसे हम यही लिखेंगे कि इससे यह स्पष्ट है कि मॉड ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स मॉड ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स यदि कॉसेक्स इज ग्रेटर देन जीरो अर्थात यदि एक्स प्रथम चतुर्थांश व चतुर्थ चतुर्थांश में के बीच हो, है या बीच हो और मॉड ऑफ कॉस एक्स जो होगा ये हमें माइनस कॉस एक्स मिलेगा यदि एक्स इज लेस देन जीरो अर्थात यदि एक्स जो है यह द्वितीय व तृतीय चतुर्थांश में है तो प्रगुण का इस्तेमाल करके ये इंटीग्रेशन टू पाई का है। इसे हम तीन पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं पहली बात यह कि ये जीरो से शुरू हो रहा है तो ये पाई बाई टू तक फिर पाई बाई टू यहां से लेकर के यहां तक कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि यहां पर दोनों फलनों पर दोनों चतुर्थांशों पर फलन धनात्मक होता है तो पाई बाई टू टू थ्री पाई बाई टू मॉड ऑफ एक्स, एक्स और फिर इंटीग्रेशन का जो लिमिट है ये थ्री पाई बाई टू 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 पाई अर्थात यहां से लेकर यहां तक चौथे चतुर्थांश पर ये मॉड कॉस एक्स डीएक्स तो इसका समाकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन एक्स और लिमिट है जीरो टू पाई बाई टू और इसके लिए हमें मिल जाएगा दूसरे और तीसरे चतुर्थांश पर निगेटिव है तो यहाँ पर माइनस साइन लिखेंगे और फिर साइन एक्स इसका लिमिट है पाई बाई टू टू थ्री पाई बाई टू और फिर से चौथे चतुर्थांश पर धनात्मक है तो ये मिल जाएगा साइन एक्स और ये थ्री पाई बाई टू 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 पाई आगे सॉल्व करते हैं पहले एक्स के स्थान पर पाई बाई टू रखेंगे तो ये मिल जाएगा साइन पाई बाई टू फिर माइनस साइन जीरो फिर माइनस साइन थ्री पाई टू और माइनस और माइनस प्लस साइन पाई टू प्लस साइन टू पाई फिर माइनस साइन थ्री पाई बाई टू वेल्यू पुट करेंगे साइन पाई बाई टू वन देन देट इज जीरोन माइनस ऑफ माइनस वन प्लस वन फिर प्लस जीरो फिर माइनस ऑफ माइनस वन ये माइनस और माइनस प्लस वन प्लस वन टू प्लस थ्री और ये फोर तो इस तरीके से मिल गया हमें फोर इस प्रकार सिद्ध हुआ कि इंटीग्रेशन जीरो टू तो टू पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू फोर और यही हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया था अगला प्रश्न दिया गया है इंटीग्रेशन वन टू थ्री मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री डी सिद्ध करना है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं इंटीग्रेशन वन टू थ्री देन मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री डी एक्स अब तीन अलग अलग स्थितियों में हम पहले इसका मान निकालेंगे जब x का मान एक और दो के बीच में होगा एक और दो के बीच में और फिर दो और तीन के बीच में तो जब वन दो के बीच में होगा तब इस स्थिति में मॉड ऑफ एक्स माइनस वन ये हमें मिल जाएगा एक्स माइनस वन देखिए एक्स का मान एक से बड़ा है तो बड़ी राशि में एक को घटाएंगे तो हमें धनात्मक मान ही मिलेगा और यदि एक्स माइनस टू करेंगे तो आपको ऋणात्मक मान मिलेगा तो हम इसे माइनस ऑफ एक्स माइनस टू लिख सकते हैं और इसी प्रकार मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री को माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री लिख सकते हैं माना कि यह समीकरण एक है और ये समीकरण दो है दूसरी स्थिति जब एक्स का मान दो और तीन के बीच में होगा तब मॉड ऑफ एक्स माइनस वन देखिए x, x का मान दो से बड़ा है दो से बड़े मान में एक घटाएंगे तो मिल जाएगा धनात्मक मान तो इसे हम लिख सकते हैं सीधा x 1 mod ऑफ x 2 ये भी मिल जाएगा आपको x 2 और इसी तरीके से mod ऑफ x 3 ये आपको माइनस साइन के साथ में मिलेगा क्योंकि x का मान तीन से छोटा है तो इसे छोटी राशि में आप तीन घटाएंगे तीन से छोटी राशि में तीन घटाएंगे तो आपको ऋणात्मक संख्या मिलेगी तो इसको हमने लिखा माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री तो समीकरण एक दो और तीन वन इज लेस देन एक्स इज लेस देन थ्री को हम दो उपसीमा में बदल देंगे उपसीमा वन इज लेस देन एक्स इज लेस देन टू व टू इज लेस देन एक्स इज लेस देन थ्री मानने पर तो इस प्रकार हमें इसका जो लेफ्ट हैंड साइड हम जो सॉल्व कर रहे थे ये हमें मिल जाएगा माना कि ये आई इक्वल टू है तो वन टू टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री डी एक्स फिर टू टू थ्री मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री डीएक्स मान लेते हैं कि ये आई वन प्लस आई टू है पहले आई वन को सरल कर लेते हैं तो आई वन इक्वल टू वन टू टू वन टू टू के बीच में एक्स माइनस वन हमें मिल जाएगा एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू का जो मॉड है वो हमें मिल रहा है माइनस साइन एक्स माइनस टू तो ब्रैकेट अगर ओपन कर दें तो ये हमें मिल जाएगा माइनस एक्स प्लस टू और फिर ये एक्स माइनस थ्री मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री ये भी हमें मिल रहा है माइनस साइन के साथ तो माइनस ऑफ एक्स और माइनस और माइनस प्लस थ्री और फिर डी एक्स तो देखिए ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा ये बच गया माइनस एक्स और थ्री प्लस टू फाइव फाइव माइनस वन फोर तो इस तरीके से मिल रहा है इंटीग्रेशन वन टू टू फोर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू ये मिल जाएगा तो मिल जाएगा फोर इंटू टू माइनस टू का स्क्वायर फोर अपॉन टू फिर माइनस फोर इंटू वन फोर माइनस और माइनस प्लस वन का स्क्वायर अपॉन टू वन तो आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा फोर इंटू टू एट फोर माइनस फोर बाई टू टू माइनस फोर प्लस टू प्लस वन बाई टू सोल्व करेंगे तो मिल जाएगा फाइव बाई टू मान लेते हैं कि ये चौथा समीकरण है अब हम I2 ये जो दूसरा इंटीग्रेशन दिख रहा है इसको पहले सॉल्व करेंगे तो I2 इक्वल टू है इंटीग्रेशन टू टू थ्री इसे हमें आगे सॉल्व करना है तो यह integration two to three. Two to three के बीच में mod of x -1, यह हमें मिल रहा था एक्स माइनस वन उसके बाद प्लस एक्स माइनस टू और माइनस में मिल जाएगा एक्स माइनस थ्री तो माइनस और माइनस प्लस थ्री आगे सॉल्व करेंगे तो ये टू टू थ्री देखिए ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो गया और ये एक्स बचा हुआ है। फिर टू माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री और प्लस थ्री कैंसिल। अल्टीमेटली यहां पर आ गया एक्स इसका समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉइंट टू और लिमिट टू टू थ्री तो थ्री का स्क्वायर नाइन और टू का स्क्वायर फोर सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा फाइव बाई टू मान लेते हैं कि यह समीकरण पांच है तो i इक्वल टू आई वन प्लस आई टू था i1 का मान 5 बाई टू आई टू का मान भी 5 बाई टू तो अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा i तो मिल जाएगा 5 तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 2 3 मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू प्लस मोड ऑफ x माइनस थ्री डी एक्स इक्वल टू फाइव और यही हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया था